वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस बिलाल जाफर है और मैं चौथी जमात में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम RZP सेमी इंग्लिश उर्दू स्कूल मोरबा बॉयज है। मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करने जा रहा हूँ। मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की बहुत अजीम हस्ती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के कबीले कुरैश से ताल्लुक रखते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सारी दुनिया में इस्लाम फैला। इस कायनात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत गाड़े हिरा से तुलू हुई और सारी दुनिया में छा गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इंसान के लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की जितनी तारीफ करूं कम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत सादा और पाकीज़ा जिंदगी के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुश अखलाकी ने सबके दिलों को जीत लिया और काफिर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पूरी कायनात जगमगा उठी और जहालत का अंधेरा दूर हो गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद रहम दिल थे। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में जुल्म खत्म करने और सारी दुनिया में इस्लाम फैलाने भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत खुश मिजाजी और रोज़मर्रा जिंदगी से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच के रास्ते पर चलने वाले और मीठी जबान बोलने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब जहालत में डूबा हुआ था। इस दौर में बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से ये दौर खत्म हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे, खास तौर पर यतीम बच्चों से बे इंतहा प्यार दफनाया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से ये दौर खत्म हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे, खास तौर पर यतीम बच्चों से बे इंतहा प्यार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन और सादिक के नाम से मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजतमंदों की हाजत पूरी करते, गरीबों की मदद करते, मेहमान नवाजी करते और दरगुजर से काम लेते। फतेह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को माफ फरमा दिया। बस हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी जिंदगी बसर करनी चाहिए। इजहार इश्क से तो खुदा भी न रह सका, इजहार इश्क से तो खुदा भी न रह सका। तारीफ हुस्न मोहम्मद में सारा कुरान लिख दिया। अस्सलाम वालेकुम।